मैं हूं मोहन चहल, अखिल जी हमारे साथ हैं। अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को एक मजबूत चुनौती दी है क्योंकि 292 रनों का टारगेट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको, 292 अखिल जी एक चैलेंजिंग टोटल होगा ऑस्ट्रेलिया के सामने। बहुत बड़ा टोटल है। पहले तो अफगानिस्तान की बात करनी चाहिए, कितना शानदार क्रिकेट उन्होंने खेला। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने गए थे ऑस्ट्रेलिया के सामने। ऑस्ट्रेलिया का जो गेंदबाजी अटैक है मोनू, मानो हुआ गेंदबाजी अटैक है उनके पास है। कमिंस, हेजलवुड, एडम जैम्पा, हर मैच में 4 विकेट की औसत है। उसके सामने आप बल्लेबाजी करने के लिए गए और ऑलमोस्ट 300 रन आपने खड़े कर दिए 50 ओवर में। आपने मुंह तोड़ जवाब दिया। बिल्कुल बहुत अच्छी बैटिंग की उन्होंने, ना सिर्फ बल्कि कैप्टन ने भी आज अच्छी बैटिंग की, 26 रन बनाए उन्होंने। लेकिन जो बड़ा रोल प्ले किया इब्राहिम जादरान, बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी और 129 नाबाद बनाए 143 गेंदों पे, 8 चौके, 3 छक्के। और अफगानिस्तान के पहले ऐसे खिलाड़ी बने जिन्होंने वनडे वर्ल्ड कप में शतक जड़ा है। ओवरऑल इनका ये 5वां शतक था। बहुत ही कमाल की पारी इब्राहिम जादरान ने खेली। जी हाँ बिल्कुल, और साथ ही साथ हम आपको बता दें रहमतुल्ला गुरबाज बैटिंग करने आए आज, शुरुआत उन्होंने की और बोलता है। रहमतुल्ला गुरबाज ने बैटिंग बहुत शानदार की है क्योंकि देखिए 21 रन बनाए 25 गेंदों पर, एक अच्छा पेस अटैक जो ऑस्ट्रेलिया का उनका सामना किया। और कहीं ना कहीं पहले 10 ओवर में 46 रन बनाए थे, 1 विकेट खोया था। अगले 11 से 20 ओवर में उन्होंने अच्छी बैटिंग की क्योंकि विकेट नहीं खोया, और जिसके चलते अब कहीं ना कहीं आखिरी 5 से और आखिरी के 3 ओवर में बड़े इंटरेस्टिंग थे क्योंकि 40 ओवर तक 195 रन था टीम का स्कोर। उसके बाद आखिरी के 10 ओवर में जो गति पकड़ी, खासतौर पे आखिरी के 5 ओवर 64 रन, और आखिरी के 3 ओवर में अफगानिस्तान ने 39 रन बनाए हैं। जो राशिद खान ने जो कैमियो पारी के लिए 18 गेंदों पे 35 रन, 2 चौके, 3 छक्के, 195 का स्ट्राइक रेट, ये अफगानिस्तान के लिए बहुत फायदेमंद रही। अब इनकी साझेदारी भी हुई 6 विकेट के लिए, 28 गेंदों में 58 रनों की साझेदारी हुई है मोनू। बिल्कुल, और ये साझेदारी बहुत कहीं ना कहीं वो टर्निंग का काम किया था क्योंकि एक समय से लगा 250 रन 260 बना पाएगी, लेकिन फिर वो जो एक इनिंग आई ना, उस इनिंग ने कहीं ना कहीं, राशिद खान का जो कैमियो इनिंग आई उसने कहीं ना कहीं ये चेंज कर दिया। रहमत शाह ने भी आज 30 बनाए 44 गेंदों का सामना किया। उनके बल्ले से लगातार स्कोर करता रहा अफगानिस्तान के लिए। जो पिछले 3 मैच अफगानिस्तान ने जीते उनमें रहमत शाह ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। आज भी एक अच्छे सेटल थोड़ा नजर आए थे, बीच में एक साझेदारी इनकी हुई इब्राहिम जादरान के साथ, लेकिन अपनी पारी को थोड़ा आगे नहीं बढ़ा सके। 44 गेंदों में 30 रन का स्कोर बनाकर आउट हुए, लेकिन तारीफ करनी होगी इब्राहिम की। बीच में मोनू कह सकते हैं कि थोड़ा स्लो पड़ गए थे अपने शतक के लिए क्योंकि कह सकते थोड़ी सेल्फिश नॉक बीच में हुई थी क्योंकि अपने शतक के लिए, क्योंकि 65 गेंदों में 50 पूरी की और अगले 50 रन के लिए उन्होंने ऑलमोस्ट 70 गेंदें ली, ऑलमोस्ट 70 गेंदों का सामना किया, फिर अपना शतक पूरा किया 131 गेंदों पर। थोड़ा बीच में मैं कहूंगा कि अपने शतक की ओर चले गए थे, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने इनिंग को पेस किया वो बड़ा शानदार था, बड़ा शानदार था। और कहीं ना कहीं देखिए शानदार तो कई सारी चीजें रही, चाहे रहमत शाह हो, लेकिन एक अच्छा फैसला था अखिल बैटिंग लेने का पहले। अच्छा फैसला था, आपको पता है ना वानखेड़े में अभी तक जो इतिहास रहा है इस वर्ल्ड कप में, आप पहले बैटिंग करो, 300 रन खड़े करो, सामने वाली टीम को प्रेशर मिलाओ क्योंकि ड्यू इफेक्ट भी यहाँ पे होता है। और यहाँ पे अफगानिस्तान अभी हावी है मैच में क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की आप गेंदबाजी देखिए, ग्लेन मैक्सवेल 10 ओवर 55 रन, मिचेल स्टार्क 9 ओवर में 70 रन खर्च किए, पैट कमिंस आए 8 ओवर 47 रन उन्होंने खर्च किए। एक चीज मुझे समझ नहीं है, जब जेस होजा और शेजरवुड 9 ओवर 39 रन 2 विकेट ले चुके हैं, उनका अपने स्पेल ही पूरा नहीं कराया। जी बिल्कुल, ये देखिए जोश हेजलवुड 9 ओवर, 1 ओवर क्यों नहीं करवाया पता नहीं, समझ से बाहर है। कमिंस को लेकर आए उनके ओवर के बाद, आपने 1 ओवर जैम्पा से कराया है, 1 ओवर ग्लेन मैक्सवेल, और ये तो इफेक्टिव थे आज 9 ओवर में 39 रन ही दिए। वही चीज मैं कह रहा हूँ, इनके स्पेल के बाद भी आपने मैक्सवेल के पूरा ओवर कराया, एडम जैम्पा ने पूरे 10 ओवर डाले, लेकिन पैट कमिंस उनकी खुद की इतनी पिटाई हुई है, उन्होंने अपना पूरा स्पेल, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि जोश हेजलवुड का यहाँ पे स्पेल क्यों नहीं कराया गया। बिल्कुल क्यों नहीं कराया गया। और लेकिन एक ऐसे बैट्समैन इनका नाम की चर्चा जरूर होनी चाहिए, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर राशिद खान, लास्ट में कैमियो इनिंग आई यार, बहुत बड़ी पारी, बहुत बढ़िया पारी। और अभी तक चर्चा चल रही थी, हमारे चिराग बार बार कहते थे कि यार इस वर्ल्ड कप में इन्हीं का बल्ला नहीं चला है, कहने को अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं लेकिन अभी तक खामोश है, लेकिन आज स्नेक शॉट भी खेला, 18 गेंद 35 नाबाद, कैमियो पारी अफगानिस्तान के लिए, ऐसे समय पर ये पारी है जहां पर इन टीम को दरकार थी, रिक्वायर्ड थी। 58 रनों की साझेदारी भी हुई है, लेकिन इब्राहिम जादरान, उन्होंने इस प्लेयर के बारे में क्या कहोगे? बिल्कुल गजब का प्लेयर है, टेम्परामेंट इनका आउटस्टैंडिंग था आज, और जिस तरीके से टेक्निकल साउंड बैट्समैन है, इन्होंने अपनी इनिंग को बनाया, बिल्डअप किया और फिर धीरे धीरे लंबे लंबे शॉट्स खेले, तो कहीं ना कहीं यार ये कॉन्फिडेंस देता है अफगानिस्तान की टीम को। और ना सिर्फ देखिए अफगानिस्तान में जब से अजय जडेजा इस टीम के 5-7 जुड़े हैं, जोनाथन ट्रॉट, सचिन तेंदुलकर मिलने आए थे, क्या उसका असर देखने को मिला इब्राहिम की बल्लेबाजी में? बिल्कुल हो सकता है, जो समय इन्होंने बिताया
आज उसका असर मैदान पे देखने को मिला है। बिल्कुल देखने को मिला है, और कहीं ना कहीं राशिद खान के बल्ले से जो दो तीन फायर हुए उस वजह से स्कोर 291 हो गया है, और एक अच्छा स्कोर है अभी। खेल आप ये नहीं कह सकते थोड़ा स्कोर है, नहीं अच्छा स्कोर है, फाइटिंग स्कोर है। अफगानिस्तान के लिए जीत बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको अभी भी सेमीफाइनल में अगर क्वालिफाई करना, कंडीशन में बनी हुई है टीम, और अगर आज का मैच जीत जाएगी तो सबसे बड़ा उलटफेर मैं कहूंगा इस वर्ल्ड कप का होगा। बहुत बड़ा उलटफेर, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन इस वक्त बहुत इब्राहिम के कुछ अगर मैं रिकॉर्ड्स की बात करूं मोनू, तो इस वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में वो सबसे तेज शतक, मतलब शतक लगाने वाले चौथे सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं। पॉल स्टर्लिंग, रिकी पोंटिंग, अविष्का फर्नांडो के बाद अब इनका नाम आता है। 21 साल 330 दिन की उम्र में इन्होंने अफगानिस्तान के लिए शतक जड़ा है। मेमोरेबल 100 है, क्योंकि पहले खिलाड़ी बने अफगानिस्तान के वनडे वर्ल्ड कप में शतक लगाने वाले। और फिर देर किस बात की, क्यों ना एक बार दर्शकों को दिखाई देते हैं इस खिलाड़ी के बारे में। ये देखिए 129 बनाए इन्होंने, 143 गेंदों का सामना किया, नॉट आउट रहे। अच्छी बात ये रही पूरी इनिंग में, अगर आप इनको देखो कहीं ज्यादा रिस्क नहीं लिया। 8 चौके लगाए, 3 छक्के लगाए, स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था, लेकिन एक एंड से विकेट गिरते चले गए। लेकिन इन्होंने एंकर रोल प्ले किया, जखिन एंकर रोल प्ले किया, ओपन करने आए थे, बैट कैरी किया, नॉट आउट रहे। 143 गेंद, 129 रन, बहुत शानदार पारी मैं कहूंगा। लेकिन बीच में जो थोड़ा स्लो पड़ गए थे ना, वो कहीं टीम को भारी ना पड़ जाए, लेकिन आप इस इनिंग को कैसे देखते हैं? कुछ लोग कहेंगे कि यार स्लो विकेट इनिंग खेली है, क्योंकि ये विकेट भी कुछ ऐसा ही था। अभी सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था, ट्विटर पे कई सारे लोग कह रहे हैं कि ये भी एक और सेल्फिश नॉक है। विराट कोहली की बात चली ना कि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट एक सेल्फिश 100 था अपने लिए खेले। अब इब्राहिम जादान को भी लोग ट्रोल कर रहे हैं कि इन्होंने भी अपने लिए बल्लेबाजी की, बीच में शतक के लिए गए, क्योंकि 89 से जो 100 रन का जो गैप था, 11 रन जो बना उसमें काफी सारी गेंदें ली, सिंगल्स लिए, कोई चौका नहीं, कोई छक्का नहीं, तो वाकई में थोड़ी बहुत वहां पे सेल्फिश नॉक नजर आई। सेल्फिश नॉक जरूर आप कह लीजिए, लेकिन ये एक ऐसी नॉक थी जिसने कहीं ना कहीं स्कोर 200 अफगानिस्तान जीतेगा तो इसी नॉक की तारीफ भी की जाएगी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजी के ऊपर मैं बात करना चाहूंगा, एडम जैम्पा स्पिन, इनकी स्पिनर्स की जब बात आती है तो एडम जैम्पा इकलौते ऐसे वाइड स्पिनर है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो स्पेशलिस्ट स्पिनर है। इन्होंने 10 ओवर में 58 रन, 1 विकेट दिया, थोड़े से महंगे रहे कुल मिलाकर, थोड़े महंगे रहे लेकिन एक विकेट भी आया, और पिछले लगातार मैचेस में एडम जैम्पा ही थे जो विकेट भी ले रहे थे। 4 विकेट, 4 विकेट, 4 विकेट, फिर 3 विकेट, आज के मैच में इकोनॉमिकल थे। 58 रन 10 ओवर में इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब देखिए पैट कमिंस के अगर आप आंकड़े देखेंगे, 8 ओवर 47 रन, कोई विकेट नहीं। उसके बाद मिचेल स्टार्क के आप आंकड़े देख लीजिए, उनकी गेंदबाजी भी कुछ प्रभावित नहीं। और जो सैजलवुड भी, इनफैक्ट जो सैजलवुड तो कुछ मिलाकर ठीक थे, बहुत अच्छी बॉलिंग की उन्होंने जो सैजलवुड ने, तो लेकिन इनको ओवर करवाया नहीं इन्होंने, ये पहले ही रोक दिया था, पहले रोक दिया था। 9 ओवर 39 रन, 2 विकेट इनके खाते में आए, और उसके बाद भी अगर कप्तान आपके पूरा स्पेल नहीं डला रहा है तो एंड में अगर ये टीम हारती है तो उस पर बाकी में चर्चा की जाएगी। बिल्कुल चर्चा की जाएगी कहीं ना कहीं, लेकिन सवाल वही है कि क्या जो ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजी, ऑस्ट्रेलिया चेज कर लेगा, ऑस्ट्रेलिया कर सकता है क्योंकि बैटिंग उनके पास है। लेकिन आप बॉलिंग की बात कर रहे थे, स्टार्क के बारे में आप कुछ कहना चाहते थे। जी स्टार्क के बारे में, 9 ओवर 70 रन, मानो आपने कब देखा था आखिरी बार स्टार्क की इतनी जबरदस्त पिटाई हुई हो, वो भी राशिद खान जैसे, मतलब बॉलिंग ऑलराउंडर इतना धोए उनको, याद आता है आपको मिचेल स्टार्क की आखिर में कभी इतनी जबरदस्त पिटाई? लेकिन इनकी अब पता नहीं, इस वर्ल्ड कप में मैंने देखने को मिला कि इनकी पिटाई होती है, अब मान के चलिए, क्योंकि जब इनका ऑस्ट्रेलिया का न्यूजीलैंड के साथ मैच हुआ था उस मैच में भी जेम्स निशम ने अच्छे शॉट खेले थे लास्ट में मिचेल स्टार्क को। सो आई थिंक इनका फुल लेंथ गेन करते हैं तो स्लॉट में आता है और फिर छक्का चौका पड़ता है, और आज भी हमने देखा क्या चौके छक्के पड़े वो राशिद खान ने जो 18 गेंदों 35 रन की, ये नहीं कहीं ना कहीं डिसाइडिंग फैक्टर तो नहीं हो जाएगी इनिंग के बारे में चर्चा की जाएगी, ये डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला। 28 गेंदों में 58 रनों की साझेदारी होती है, 18 पे 35 रन की कैमियो पारी खेल कर जाते हैं, वो भी किसके खिलाफ? पैट कमिंस के खिलाफ, दुनिया के नंबर वन बॉलर्स में एक माने जाते हैं मिचेल स्टार्क के खिलाफ, जो कि लीडिंग विकेट टेकर्स में से एक भी है पिछले 2 वर्ल्ड कप में। आपने उनके खिलाफ रन बनाए हैं, आपने जैम्पा मैक्सवेल के खिलाफ रन नहीं बनाए। और इब्राहिम जादरान, इनका क्या पहला 100 था इस वर्ल्ड कप में? इनका ये पहला था, ओवरऑल पाकिस्तान अफगानिस्तान के लिए भी पहले खिलाड़ी बने जिन्होंने वनडे वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में शतक लगाया है, और ओवरऑल इनका 5वां शतक था, साथ ही अफगानिस्तान के लिए सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में भी अब मोहम्मद शहजाद रहमानुल्लाह गुरबाज के बाद तीसरे नंबर पर आ गए हैं, क्योंकि शहजाद ने 6 शतक लगाए, उसके बाद गुरबाज ने 5 शतक लगाए हैं, रहमत शाह ने 5 शतक लगाए हैं, अब इब्राहिम जादरान का नाम आता है जिन्होंने 5 शतक हो चुके हैं। पहला नंबर है जी मोहम्मद शहजाद, 6 शतक, रहमानुल्लाह गुरबाज 5 शतक, रहमत शाह 5 शतक, और अब इनका नाम आएगा इब्राहिम जादरान 5 शतक। देखिए ये अखिल गुप्ता हमारे स्टैट्स के साथ आते हैं पूरे, लेकिन सवाल वो बड़ा है कि क्या ये अफगानिस्तान आज ये मैच जीत जाएगा, या आपको लगता है कि यार इतना अच्छा स्कोर जो बनाया ना बल्लेबाजों ने, जिस तरीके का टेम्परामेंट दिखाया, जिस तरीके की बल्लेबाजी जो डिस्प्ले इन्होंने शो किया है, मैं चाहता हूँ कि अफगानिस्तान ये मैच जीते।
ये मैच जीते और जीत भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि देखिए थोड़ा सा फाइटिंग टर्टल रहेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि देख लीजिए इब्राहिम जादरान ने मैच के बाद बोला है अपने बयान में कि सचिन सर से कल मैं मिला था, उन्होंने मुझे काफी सारा कॉन्फिडेंस दिया, उनसे बात करके काफी एनर्जेटिक फील मैंने किया और ये शतक आप कह सकते हैं उसी का नतीजा है। बिल्कुल नतीजा, और सचिन से यार क्रिकेट के भगवान है, अगर आप उनके पास जाते हो तो फिर वो थोड़ा सा इम्पैक्ट तो पड़ता है लेकिन ये इम्पैक्ट पूरा पड़ा है और ये इनिंग ऐसी थी कहीं ना कहीं इस इनिंग के बलबूते जो है अफगानिस्तान की टीम ने आज कहीं ना कहीं इतना स्कोर खड़ा किया है। ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजी को क्या हुआ है, लेकिन आप बिल्कुल भी लय में नजर नहीं आए, काफी खराब गेंदबाजी चाहे कप्तान कमिंस की हो और पूरे टूर्नामेंट में पैट कमिंस का अभी तक वो लय में नजर नहीं आए हैं।